दोस्तों, अगर आप गोलमाल 3 मूवी को यूट्यूब पर ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके हो और ये आपको नहीं मिली है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। मात्र 1 या 2 मिनट का ही वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये मूवी यूट्यूब पर अपलोड क्यों नहीं हो रही है और आप इसे कैसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इससे पहले हम थोड़ा इस मूवी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये मूवी रिलीज हुई थी 5 नवंबर 2010 को। इसमें कलाकार थे अरशद वारसी, जॉनी लीवर, करीना कपूर खान और कुणाल खेमू, मिथुन चक्रवर्ती, श्रेयस तलपड़े और अजय देवगन और तुषार कपूर। इसके निर्देशक थे रोहित शेट्टी। इसका निर्माण हुआ था 50 करोड़ रुपये में और इसकी कुल कमाई हुई थी 170 करोड़ रुपये। ये कॉमेडी और एक्शन पर आधारित फिल्म थी। यह गोलमाल फिल्म का 3रा भाग है। इस फिल्म की कहानी 2 गैंग की, जो कि बचपन से एक दूसरे से नफरत करते हैं। बाद में पता चलता है कि वे सभी आपस में भाई हैं। वे एक साथ रहने लगते हैं और हंसी मजाक करते हैं। यह भाग भी अपने अन्य भागों की तरह कॉमेडी से भरा हुआ है। दोस्तों, इसने पहले दिन कमाए थे 8.36 करोड़ रुपए और दूसरे दिन कमाए थे 11.57 करोड़ रुपए। इसी तरह इसके जो पहले वीकेंड में कमाई हुई थी वो हुई थी 34.85 करोड़ रुपए और तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई हुई थी 9.14 करोड़ रुपए। इस तरह भारत में बिना टैक्स कमाई हुई थी 108 करोड़ रुपए और पूरी दुनिया की कमाई हुई थी 170 करोड़ रुपए। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स भी जान लेते हैं। शुरुआत में परेस रावल को उस भूमिका के लिए संपर्क किया गया था जिसे मिथुन चक्रवर्ती द्वारा चित्रित किया गया है। फिल्म में करीना कपूर का नाम उनके पिता रणधीर कपूर का नाम है। इस फिल्म में 2 पुराने गाने बनाए गए थे। फिल्म गोलमाल का शीर्षक पात्रों के नाम के आधार पर तय किया गया था, गोपाल, लक्ष्मण, माधव, लकी। इस भाग में मिथुन ने अपनी पिछली फिल्म डिस्को डांसर से खुद को खराब कर लिया। यह पहली बार है जब किसी बॉलीवुड अभिनेत्री ने फिल्म में टॉम बॉय की भूमिका निभाई हो। तो अब चलिए बात करते हैं कि आखिर यूट्यूब पर अपलोड क्यों नहीं हो रही। दोस्तों, इस मूवी के मालिक इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे इससे अब भी पैसे कमा रहे हैं। वह इसे यूट्यूब पर ना अपलोड करके ऐसी साइट्स पर अपलोड कर रहे हैं जहां पर अगर आप ये मूवी देखने जाओगे तो पहले आपको पैसे पे करना पड़ेगा, पहले आपको रुपये देने होंगे तभी आप इसे देख सकते हैं। तो वह इस मूवी से अब भी लाखों रुपये कमा रहे हैं। तो यही रीज़न है वह फ्री में इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं करते हैं। तो अगर आपको इस वक्त ये मूवी देखनी है तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। फ्यूचर में भले ही यूट्यूब पर अपलोड हो, आप इसके छोटे मोटे पार्ट यूट्यूब पर देख सकते हैं, बट आपको फुल मूवी देखने के लिए पैसा देना होगा। तो आई होप यू आपको जानकारी मिल गई होगी। ऐसे और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।